एक बात तो है, ये कुश्ती संघाड़े मामले में ये हरियाणा के खिलाड़ी क्यों बोल रहे हैं? वरना ऐसा लग गया है इसमें उड्डा का हाथ हो सकता है। हाँ है, बिल्कुल उड्डा का हाथ है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने सक्षम बनाने में, खिलाड़ियों ने आवाज उठाने लायक बनाने में उड्डा का हाथ है। मतलब अरे याद कर, जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो उनते खेल नीति बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ। उस नीति के तहत पदक लेने वाले खिलाड़ियों तय DSP वर्गे उच्च पद पर सीधी नियुक्ति दी गई थी। तकरीबन 750 खिलाड़ियों तय इसी नीति के तहत हुड्डा सरकार ने सीधी सरकारी नौकरी दी। अरे इतना ही नहीं, जब देश में कोई सोच भी नहीं सका था उस टाइम पर खेलों में मेडल लेने वाले खिलाड़ियों तय 5 करोड़ तक का इनाम देने की शुरुआत हुड्डा सरकार ने करी थी। और हुड्डा सरकार ने सरकारी नौकरियों में सभी खिलाड़ियों तक 3% खेल कोटा दिया था, जो BJP और JJP सरकार ने लगभग खत्म कर दिया। अरे हुड्डा एक खेल नीति का नतीजा था, जो हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी आजीविका की चिंता नहीं रही, खिलाड़ियों ने यू डर नहीं रहा। अगर पढ़ाई छोड़े खेलना में गए तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी के बजाय जब खेलना में गए तो घर कुकर चल लगा, पेट कुकर पालेंगे, यू डर नहीं रहा। अरे उस नीति के लागू होने के बाद तो इतना हौसला मिला कि हरियाणा खिलाड़ियों ने अपना पूरा फोकस अपने खेल और मेडल लेने पर करया। अरे इसीलिए तो कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग तय लेकर कई खेलों में हरियाणा के छोरे ही नहीं, छोरे भी पूरी दुनिया में देश का नाम चमका रही है। अरे जो लड़के लड़कियां पूरी दुनिया के धुरंधरान धूल चटा सके हैं, तो क्या वो अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठा सकते?